नमस्कार दोस्तों, मैं लोक बहादुर आपका दोस्त थावा ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वेज मंचूरियन का रेसिपी लेके आया हूँ, आइए बनाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने टमाटर ले रखा है, प्याज ले रखा है, हरी मिर्ची है, धनिया है, बंद गोभी और थोड़ा सा मैंने फूल गोभी ले रखी है। अदरक लहसुन मैंने चॉप करके रखा है और सारी सब्जियां मैंने धो के साफ करके रखी हुई है। आगे की तैयारी करते हैं। देखिए दोस्तों, बंद गोभी को ऐसे हम कद्दूकस कर देंगे, इसी तरह हम फूल गोभी भी कद्दूकस कर लेंगे। ठीक है जी, कद्दूकस कर लेना है आपको, आराम से हाथ बचा के करना। हमें तो थोड़ा प्रैक्टिस है तो हम जल्दी कर लेते हैं, आप धीरे धीरे आराम आराम से कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने बंद गोभी, फूल गोभी और प्याज को कद्दूकस कर लिया है। ठीक है जी, और इसमें डालेंगे हम एक चम्मच नमक डाल के हम 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 5 मिनट छोड़ देंगे तो सारा ये पानी छोड़ देगा, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने टमाटर काट के रख लिया, प्याज काट के रख लिया, सारे चॉप कटिंग होना चाहिए। ये देखिए, मैं मिर्ची काटता हूँ, सारे ऐसे बारीक बारीक चॉप कटिंग में काट लीजिएगा आप। ठीक है जी, सारे सब्जियाँ ऐसे बारीक बारीक काटनी है आपको, सारे चॉप कटिंग होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इसको नमक डाल के हमने छोड़ दिया था, तब तक मैंने टमाटर, प्याज, जो हरी मिर्च, धनिया था उसको काट लिया। इतनी देर में ये भी पानी छोड़ दिया देखिए गोभी ने। अब हम इसको निचोड़ के निकाल लेंगे। इसको आप ऐसे करके हाथ में लेके प्रेस करेंगे तो ये देखिए पानी छोड़ रहा है पूरा। ये देखिए, इसका पानी पूरा निकाल लीजिएगा, जितना भी निकल सकता है आपसे उतना पूरा पूरा निकालना है, ज़रा सा भी पानी नहीं छोड़ना है इसमें। देखिए ऐसे करके धीरे धीरे करके सारे निचोड़ देंगे हम इसको। ये देखिए कितना पानी निकल रहा है, सारा सब पानी छोड़ दिया है। अब नमक डाल के छोड़ेंगे कद्दूकस करने के बाद 5-7 मिनट के लिए, तो ऐसे पानी छोड़ देता है गोभी। ऐसे पानी छोड़ने के बाद निचोड़ के सारा हम अलग करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पूरा गोभी निचोड़ लिया है, ये गोभी निचोड़ के अलग कर लिया। इसमें देखिए कितना सारा पानी निकला है, इसको किसी छानने में छान के जो थोड़ा बहुत निकला है इसमें डाल देंगे। दोस्तों, गोभी निचोड़ के हमने रख लिया है थाली में। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये स्वाद अनुसार नमक डालना है आपको, जितना मटेरियल है उसी हिसाब से नमक डाल लीजिएगा। और इसमें थोड़ा सा हम अजीनोमोटो डालेंगे, जितना नमक डालेंगे उससे थोड़ा सा कम अजीनोमोटो डालेंगे हम। ठीक है जी, अजीनोमोटो डाल लिए हमने। इसके साथ साथ हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमने आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं हम। उसके बाद इस थोड़ा सा आधा चम्मच लिया लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हमने थोड़ा सा आधा चम्मच। अब डालेंगे हम इसमें मैदा, जितना ये हो जाए थोड़े कोफ्ते बन जाए उसी हिसाब से हम मैदा डालेंगे। दो तीन तीन साढ़े तीन चम्मच मैंने डाला है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और कोफ्ते बनाएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह डो तैयार हो गया है। अब मैंने तैयार कर लिया, अब इसका मैं छोटे छोटे पकौड़े बना लूँगा। पहले हाथ धो के थोड़ा सा हाथ गीला रख लीजिएगा, चिपकेगा नहीं, और थोड़ा सूखने लगे तो फिर दोबारा से हाथ गीला कर लीजिएगा। इस तरह आपको प्रेस करते हुए ऐसे गोल गोल से कोफ्ते बनाने हैं, छोटे छोटे ऐसे गोल गोल कोफ्ते बना के रख लीजिए। मैंने उधर तेल चढ़ा रखा है कढ़ाई में। ठीक है जी, ये देखिए मंचूरियन के पकौड़े बन रहे हैं। देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो गया, मैंने तेल चढ़ा रखा था जब इधर मैं कोफ्ते बना रहा था, तो ये हमारे कोफ्ते भी बन चुके हैं। अब हम इसमें एक एक करके कोफ्ते को डाल देंगे इसमें। देखिए ऐसे करके हम इसको डाल के थोड़ा कम आँच में फ्राई करेंगे। ऐसे हम सारे कोफ्ते डाल दिए हैं। अब इस देखिए दोस्तों, बीच बीच में आपको ऊपर नीचे इसका साइड चेंज करते रहना है, नहीं तो एक साइड जल जाता है, एक साइड कच्चा रह जाता है। धीरे धीरे कम आंच में आपको इसको तलना है। देखिए अब ब्राउन हो रहे हैं थोड़े थोड़े, जब ब्राउन हो जाएंगे हम इसको निकालेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे कोफ्ते पक के तैयार हो गए हैं, हम इनको बाहर निकाल रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं। ठीक है जी, देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिया है। देखिए दोस्तों, हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, कढ़ाई में ढाई से तीन चम्मच तेल डाला है। इसमें लहसुन डाल रहा हूँ। ठीक है जी, देखिए लहसुन डाल दिया चॉप करके, और अदरक भी डाल दिया, मैंने अदरक भी चॉप कर रखा था। अदरक लहसुन डाल दिया इसमें, और इसको थोड़ा सा भुनेंगे, ज़्यादा नहीं, 20 से 30 सेकेंड भुनना है इसको, थोड़ा ब्राउन हो जाए। देखिए दोस्तों, हमारा अदरक लहसुन ब्राउन हो गया। मैं इसमें चॉप करके रखा था प्याज, इसको डाल रहा हूँ।
इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है, थोड़ी देर पकाएंगे हम इसको भी। देखिए दोस्तों, हमने हरी मिर्च डाल दिया, प्याज पक गया था हमारा थोड़ा सा, आधा कच्चा आधा पक्का हो गया। इसमें साथ ही हम हरी मिर्च डाल रहे हैं, हरी मिर्च भी हमने चॉप करके रखा था। हरी मिर्च के साथ साथ ही हम डाल रहे हैं टमाटर, हल्का सा भून के साथ साथ में डालेंगे। टमाटर चॉप करके रखा था, एक एक टमाटर भी हम हरी मिर्च के बिल्कुल साथ डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे करीब एक से दो मिनट। देखिए दोस्तों, हमारा प्याज टमाटर पक चुका है, ये आधे से ज़्यादा पक चुका है, पूरा नहीं पकाना है इसको। इसमें हम अब मसाले ऐड करेंगे, मसाले में हम डालेंगे, गैस बिल्कुल कम करके रखना आपको। इसमें डालना हमने स्वाद अनुसार, सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, आप जितना क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से डाल लीजिएगा। और इसमें हम डालेंगे फिर अजीनोमोटो, आपने जितना नमक डाला है उससे थोड़ा सा कम आपको अजीनोमोटो डालनी है, अजीनोमोटो ज़्यादा नहीं डालना है। उसके साथ साथ हम डालते हैं चिल्ली सॉस, ये देखिए चिल्ली सॉस डालेंगे हम दो चम्मच के आसपास। और दो चम्मच हमने चिल्ली सॉस डाल दिया है, थोड़ा सा डालेंगे सोया सॉस, एक डेढ़ चम्मच के आसपास हम डालेंगे सोया सॉस कलर के लिए। और मैं विनीगर नहीं डाल रहा हूँ इसमें, क्योंकि विनीगर टमाटर खट्टे हैं और चिली सॉस भी खट्टा ही होता है, इसी वजह से मैं विनीगर नहीं डाल रहा हूँ। लाल मिर्च पाउडर डाल रहा हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि कलर अच्छा आ जाए। और इसमें मसाला कुछ नहीं डालना है, थोड़ा सा एक चुटकी डाल रहा हूँ मैं कस्तूरी मेथी, और हल्का सा डाल रहा हूँ खुशबू के लिए गर्म मसाला बस। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिंपल होता है। देखिए जैसा कलर आया, अब हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए अब हम आपको जितनी ग्रेवी की ज़रूरत है उतना पानी डाल सकते हैं आप, पहले थोड़ा सा डाल लीजिए, इसको चलाइए, देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है मंचूरियन का। अब थोड़ा सा गैस हम बढ़ा देंगे, और आपको जितनी ग्रेवी है जितनी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, जितनी क्वान्टिटी में आपने बना रखा है। मैंने कम ही बनाया है तो कम ही डाल रहा हूँ। ग्रेवी गड़क रही है एकदम बढ़िया से, पक गया है, ठीक है जी। ऐसे ही आपको भी पकाना है। और मैंने एक चम्मच अटरोट लिया था, उसमें एक डेढ़ चम्मच पानी डाला है, इसको मैं थोड़ा सा करके डालूंगा, इसको थोड़ा थोड़ा करके। देखिए ये देखिए गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है जी, एकदम से नहीं डालना है, ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, आपको जितना गाढ़ा करना है उतना गाढ़ा कर सकते हैं इससे। मैं इतनी डालूंगा, काफ़ी थिक ग्रेवी हो गई है, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अब ग्रेवी तैयार हो गई है। इसमें मैं जो पकोड़े मैंने बनाए थे पकोड़े ऐड कर रहा हूँ, और इसको हल्का सा इसके साथ चला लीजिए, इसको हल्का हाथ से ऐसे करके मिक्स कर लीजिए। देखिए ग्रेवी में बिल्कुल मिक्स हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। मंचूरियन हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे क्या, हरा धनिया। अब हरा धनिया डाल के, देखिए हरा धनिया डाल दिया, हम कर देंगे गैस को ऑफ। दोस्तों, हमारा वेज मंचूरियन बनके बिल्कुल तैयार हुआ है। मैंने बिल्कुल ड्राई बनाया है, पिछली बार मैंने आपको सिखाया था चीज़ मंचूरियन ग्रेवी वाला था, इस बार मैंने ड्राई बनाई है वेज मंचूरियन। आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कैसा टेस्ट आता है कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।